टुडे वी विल टॉक अबाउट जूलियस सीजर। आज की जो हम लोग बात करेंगे वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? जूलियस सीजर, सी ए ई एस ए आर, जूलियस सीजर, 1599। एंड यू विल कम टू नो कि जो जूलियस सीजर है यह एक ऐसा प्ले है जिसका टाइटल है हु इज हु। पहला पॉइंट, इसका जो सब टाइटल है, सब टाइटल ऑफ द प्ले इज हु इज हु। तो ये जरूरी है हमें ध्यान में रखना कि प्ले का एक दूसरा भी नाम है और उसका क्या नाम है, हु इज हु। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इन टू डेज क्लास वी आर टेकिंग जूलियस सीजर एंड दिस जूलियस सीजर केम इन 1599। इट हैज सब टाइटल एंड व्हाट इज द सब टाइटल, द सब टाइटल इज हु। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो सोर्स है टॉमस नॉट्स लाइव्स, द सोर्स ऑफ दिस प्ले इज प्लूटार्क्स लाइव्स, PLUTAR CH apostrophe S, Plutarch's Lives। So Lives ये जो आपका है, it's also a well known work, Plutarch's Lives। You will come to know इसका जो source है वो Plutarch's Lives है, जहां से ज्यादातर शेक्सपियर के रोमन प्लेज लिए गए हैं, चाहे वो एंटनी और क्लियोपेट्रा की बात रही हो या जो भी रोमन प्लेस है उनके, वो ज्यादातर वहां से लिए गए। तो द सोर्स ऑफ दिस प्ले इज व्हाट, प्लूटार्क्स लाइव्स, PLUTAR CH एपोस्ट्रॉफी एस लाइव्स, LIVES लाइव्स को आई हैव जस्ट पुट इट इन इन्वर्टेड कॉमा। एंड इन दिस वे आई एम टेकिंग व्हाट, इन दिस वे आई एम टेकिंग जूलियस सीजर एंड आई जस्ट टोल्ड यू कि इट पब्लिश्ड इन 1599। देन आई टोल्ड यू कि इट हैज द सब टाइटल एंड व्हाट इज द सब टाइटल, द सब टाइटल ऑफ दिस प्ले इज हु। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई टोल्ड यू या इट्स अ रोमन प्ले, रोमन प्ले हम लोग बात कर रहे हैं, रोमन प्ले में। हाँ, रोमन प्ले में हम लोग चार प्ले पर बात करेंगे। एक तो अभी जो बात किए थे वो एंटनी और क्लियोपेट्रा पर बात किए थे, आज जो बात कर रहे हैं जूलियस सीजर पर बात कर रहे हैं। एक और प्ले पर बात करेंगे, वो आपका रोमियो और जूलियट हो गया। एक और प्ले पे बात करेंगे, टीटस एंड्रोनिकस। चार रोमन प्ले पर आपको बात करेंगे, जैसे चार ट्रेजिडी पर बात किए हैं, तीन कॉमेडी पर बात किए हुए हैं, ऐसे चार रोमन प्ले पर बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये चीज रहा है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो चीज हमें ये बताना आपको कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम पॉइंट वाइज चले, द थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज द थीम। व्हेन आई टॉक अबाउट द थीम देन रिमेम्बर दैट कि इसका जो थीम है दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक वर्च्यूज, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप SHIP, रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट वर्च्यूज। एंड प्राइवेट वर्च्यूज, VIRTUES, रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट वर्चुज। जो आदमी की एक व्यक्तिगत, उसकी अपनी एक तरह से उसके गुण होते हैं और कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उसको पब्लिक के साथ साझा करना पड़ता है, रिलेशनशिप मेंटेन करने पड़ते हैं, उसको लेकर के यहाँ पे बताया गया है।
जो एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो है एक कॉलिजन भी है, और वह कॉलिजन क्या है, कॉलिजन बिटवीन डेमोक्रेसी और एंड ऑटोक्रेसी। आई वॉन्ट टू राइट द थर्ड पॉइंट। एक थीम तो मैंने आपको क्या बताया, रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट वर्चूज। फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट, कॉलिजन, COLLISON। कॉलिजन का मतलब टकराव, किसके बीच टकराव दिखाया गया है, बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी, बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी। प्रजातंत्र और राजतंत्र के बीच में लेकर के एक टकराव की स्थिति आती है, उस स्थिति को भी इसमें दिखाया गया है, उस स्थिति को भी इसमें साझा किया गया है। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि एक स्थिति यहाँ पर है कि कॉलिजन, COLLISON, कॉलिजन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी, प्रजातंत्र और राजतंत्र के बीच में एक स्थिति दिखाई गई है, और वह कौन सी स्थिति है, टकराव की स्थिति है, कॉलिजन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी। और हमें पता है कि जो कहानी है ऑलरेडी वह जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया है, तो जूलियस सीजर ही इसके सेंटर में है, और ऑलरेडी यू हैव गॉन इन इंटरमीडिएट या कई अवसरों पर आपने इस प्ले के बारे में कुछ ना कुछ सुना है। तो इसकी अगर मैं स्टोरी को पॉइंट वाइज आपसे डिस्कस करूं, तो मैं फिफ्थ पॉइंट में आपसे जो बात करना चाहूंगा, दैट इज व्हाट, कि जो इसके अपने एक तरह से कहा जाए कि जो एक प्रोटेगोनिस्ट है जिसके नाम पर रखा गया है जूलियस सीजर, जो कि एक रोमन जनरल है, उनको जो है क्या किया जाता है, पॉम्पे के द्वारा डिफीट किया जाता है, और वो जो जो जूलियस सीजर है, जूलियस सीजर जो कि द ग्रेट रोमन जनरल है, उन्होंने पॉम्पे को डिफीट किया है, और वो इस समय मास्टर मतलब रोम के रियल मालिक बन जाते हैं और अपनी ऊंचाई पर जाते हैं, मतलब उनको पार भी मिलता है, ग्लोरी भी मिलती है, ये सारी चीजें जूलियस सीजर के साथ होती है, कि एक तरह से शुरू में जूलियस सीजर का डेवलपमेंट दिखाया जाता है कि जूलियस सीजर डिफीटेड पॉम्पे एंड बिकेम द मास्टर ऑफ रोम, ही गॉट नेम फेम एंड ग्लोरी। ये जूलियस सीजर को लेकर के एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, कोई नोट करने वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन एक पॉइंट है कि जूलियस सीजर का डेवलपमेंट दिखाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है जो लोग वहां पे डेमोक्रेसी के सपोर्ट में थे, जो लोगों के लगता था कि नहीं राजसत्ता नहीं होनी चाहिए, राजतंत्र नहीं होना चाहिए, तो जिन लोगों को डेमोक्रेसी के सपोर्ट में थे उनको डर था कि कहीं जूलियस सीजर जो है क्या ना हो जाए, कि एक अब्सोल्यूट किंग ना, मतलब अब्सोल्यूट पावर उनके हाथ में ना आ जाए, असीमित शक्ति के मालिक ना हो जाए, और उस असीमित शक्ति की वजह से जो है ऐसा ना हो कि वो जो है एक तरह से जो है हम कहें कि डिक्टेटरशिप, तानाशाही की प्रवृत्ति हो जाए। तो एक जो पहले पॉइंट जो लिखवाया गया है, वह पहला पॉइंट जो था, दैट्स वेरी रिमार्केबल, और उस पहले पॉइंट में यही है कि डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी यह एक दो व्यवस्था है, यह दो आइडियोलॉजी है, और उस दो आइडियोलॉजी को लेकर के इस प्ले में एक 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 टकराव की स्थिति आती है। तो इसका मतलब यह है कि राजतंत्र को कोई दूसरा प्रेजेंट कर रहा है, राजतंत्र को कौन प्रेजेंट कर रहा है, जूलियस सीजर, क्योंकि पॉम्पे को डिफीट करने के बाद जब वो राजा बन जाते हैं, तो राजा बनने के बाद उनके पास शक्तियां आने लगती हैं, तो जो वहां पे प्रजातंत्र लाना चाहते थे, जिसमें उसको डेमोक्रेसी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनका नाम कैसियस है, कैसियस को ये लगता है कि कहीं जूलियस सीजर एब्सोल्यूट किंग ना बन जाए या एब्सोल्यूट पावर उनके हाथ में ना आ जाए, इस वजह से जो है उन्होंने डेमोक्रेसी के नाम पर एक अपना अलग विंग खड़ा कर लिया, एक अपना अलग सपोर्टर खड़ा उनके अपने हो गए, और उन सब लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी रची, और उस कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है यू विल कम टू नो कि उसके शिकार बाद में दिखाया जाता है जूलियस सीजर हो जाते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो जूलियस सीजर के जो साथ थे वे उनका साथ छोड़ करके खुद जो है कासियस के साथ हो जाते हैं। तो एक एक जो स्थिति है कॉलिजन का, दैट कॉलिजन ऑकर्स, दैट कॉलिजन हैपेंस बिटवीन ऑटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी,
एंड व्हेन जूलियस सीजर डिफीट्स पॉम्पे, जूलियस सीजर पॉम्पे को डिफीट करते हैं, तो ही बिकेम व्हाट, ही बिकेम द मास्टर ऑफ रोम. बट देर वॉज अ डाउट इन द माइंड ऑफ द सपोर्टर ऑफ, जो डेमोक्रेटिक सपोर्टर थे, उनके अपने जो है एक डाउट रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ही इज गोइंग टू गेट एब्सोल्यूट पावर और एक डिक्टेटरशिप ना शुरू हो जाए. तो प्रजातंत्र के लोगों ने इस विचारधारा को दबाने के लिए एक अपना विंग खड़ा किया, और उस विंग के तहत वो जो है हमेशा कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे जूलियस सीजर के रास्ते में. और एक समय ऐसा आता है कि टकराव की स्थिति आती है और एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जूलियस सीजर का मर्डर कर दिया जाता है. और जूलियस सीजर के मर्डर करने वालों में खुद जूलियस सीजर के साथ जो लोग थे वो, जैसे ब्रूटस या और लोग थे, उनका साथ छोड़कर के उधर चले जाते हैं. तो एक मैं अभी केवल एक स्टोरी जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया, लेकिन आपको यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो जूलियस सीजर कामा प्रोटेगनिस्ट ऑफ द प्ले डिफीट्स पॉम्पे, जो बात मैंने अभी तक आपसे आपको स्टोरी के फॉर्म में सुनाई थी वो चीज मैं लिख रहा हूं कि जूलियस सीजर प्रोटेगनिस्ट ऑफ द प्ले डिफीट्स पॉम्पे, POMPEY, डिफीट्स पॉम्पे एंड becomes the master of Rome, but the supporter of democracy, democracy does not like it, they have fear that in near future, Julius Caesar will get absolute power and will behave like a dictator. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जो डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे उनके माइंड में ये डर आता है कि जब जूलियस सीजर ने पॉम्पे को पराजित कर दिया और रोम साम्राज्य का वह मालिक बन बैठे हैं, तो आने वाले समय में उनको जो नेम और फेम मिला है वह उसका गलत इस्तेमाल करेंगे और एब्सोल्यूट पार के, असीमित शक्ति के मालिक हो जाएंगे और उस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे. और इसीलिए उन्होंने कहा कि जूलियस सीजर विल गेट एब्सोल्यूट पावर एंड विल बिहेव लाइक अ डिक्टेटर, और एक तानाशाह जैसा बिहेव करेंगे. तो ये माइंड में उनके आता है. उसके बाद आपको लिखना है फुल स्टॉप, अंडर द लीडरशिप ऑफ कैसियस, कैसियस the supporters of democracy are gathered. कासियस के लीडरशिप में सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लोग गेदर किए जाते हैं. उसके बाद आप लोग इसे नोट तो कर पा रहे हैं, मैं बहुत जल्दी तो नहीं कर रहा हूं.
दे मेक कॉन्स्पिरेसी टू डी थ्रोन सीजर जूलियस टू डी थ्रोन जूलियस सीजर टू डिथ्रोन जूलियस सीजर इवन द सपोर्टर ऑफ इवन द सपोर्टर्स ऑफ सीजर वे लोग षड्यंत्र करते हैं किस चीज का दे मेक कॉन्स्पिरेसी वे षड्यंत्र करते हैं टू डी थ्रोन मतलब गद्दी से उतारना किसको गद्दी से उतारा जाए जूलियस सीजर को टू डी थ्रोन जूलियस सीजर को गद्दी से उतारने का इवन द सपोर्टर्स ऑफ सीजर जो सीजर के सपोर्टर द सपोर्टर्स ऑफ सीजर आल्सो कम इन फेवर ऑफ कैसियस कैसियस एंड मर्डर सीजर एंड मर्डर जूलियस सीजर जिसमें एक नाम आप ब्रूटस का ले सकते हैं तो एक सिचुएशन ये होती है कि इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं ब्रूटस अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस कॉन्स्पिरेसी में। तो अभी तक मैंने आपको दो नाम बताया, एक नाम कासियस का बताया और दूसरा नाम जूलियस सीजर का बताया। और कैसे मैंने बताया कि कासियस जो है डेमोक्रेसी के सपोर्टर है और एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं और उस कॉन्स्पिरेसी के तहत ब्रूटस को अपने पाले में लेते हैं और अपने पाले में लेने के बाद जो है कैसे जूलियस सीजर की हत्या होती है। ये इतनी सारी बातें। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा वो ब्रूटस को ही लेकर के, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट ब्रूटस BRUTUS ब्रूटस वेल नोन कैरेक्टर अ वेल नोन कैरेक्टर ऑफ द प्ले इज वेरी क्लोज टू सीजर टू जूलियस सीजर इज वेरी क्लोज टू जूलियस सीजर सीजर जो ब्रूटस है वो एक अच्छे वेल नोन कैरेक्टर प्ले के हैं और वह काफी क्लोज है जूलियस सीजर के। शिफ्ट्स हिज पोजीशन अपनी पोजीशन वो बदल देते हैं शिफ्ट्स हिज पोजीशन एंड कम्स कम्स टू सपोर्ट कॉन्स्पिरेटर्स कॉन्स्पिरेटर्स कम्स टू सपोर्ट कॉन्स्पिरेटर जो षड्यंत्रकारी रहते हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं। एक चीज ये देखने को मिलता है। ही मेक्स प्लान टू एजाजिनेट वो अपनी पोजीशन को बदलते हैं साथ ही साथ किसका सपोर्ट करते हैं षड्यंत्रकारियों का सपोर्ट करते हैं। ही मेक्स प्लान और प्लान बनाते हैं क्या प्लान बनाते हैं टू एजाजिनेट एक शब्द मैं लिख रहा हूं टू एजाजिनेट AAAS AAAS INAT एजाजिनेट का मतलब होता है कि
किसी बड़े जो एक तरह से कहा जाए कि जैसे किंग हुए, मिनिस्टर हुए, किसी बड़े नेता की हत्या या जो राजवंश से संबंधित लोग हैं उनके किसी लोगों की हत्या के लिए एजाजिनेट वर्ड, एजाजिनेशन वर्ड आता है, टू एजाजिनेट। जैसे ये कभी नहीं हुआ कि इंदिरा गांधी वाज मर्डर्ड, बल्कि क्या वर्ड होगा, इंदिरा गांधी वाज एजाजिनेटेड, टू एजाजिनेट ब्रूटस, सॉरी टू एजाजिनेट जूलियस सीजर, JULIUS, जूलियस सीजर, CAESAR। ये एक प्लान बनाते हैं कि जूलियस सीजर की हत्या की जाए, एंड गिव्स, GIVS, ये जी है, एंड गिव्स गिव्स आर्ग्यूमेंट्स दैट ही इज डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ द नेशन। और वह आर्गुमेंट देते हैं कि मैं राष्ट्र को बचाने के लिए, रोम खतरे में था, रोम सुरक्षित नहीं था, किसके हाथ में, एक तरह से जो है जूलियस सीजर के हाथ में, तमाम तरह की बातें होती हैं, तमाम तरह के आर्गुमेंट होते हैं उसको लेकर के, जब ये चीजें होती हैं तो वो एक आर्गुमेंट देते हैं और कहते हैं कि ये मैं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ऐसा मैं कर रहा हूँ। तो ही गिव्स, ही इज डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ ऑफ नेशन। उन्होंने कहा मैंने जो कुछ भी किया, अगर मैंने जूलियस सीजर की हत्या की तो उस हत्या के पीछे केवल और केवल मेरी राष्ट्रभक्ति थी। तो उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वो किसका एग्जाम्पल दिया कि पैट्रियटिज्म मेरे लिए राष्ट्र सबसे बढ़ करके है, और राष्ट्र के खिलाफ कोई खड़ा हो रहा हो या एक तरह से उसके खिलाफ कोई जा रहा हो तो आई डोंट लाइक इट, दिस इज वाई आई मर्डर्ड या आई एजाजिनेटेड दिस मैन या आई बिकेम द पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी, all these things you will come। लेकिन पूरा का पूरा आप देखेंगे कि लास्ट में जो होता है, ये मैंने तीन कैरेक्टर आपको बताया, एक कैरेक्टर जूलियस सीजर बताया जो पॉम्पे को डिफीट करके राजा बनते हैं, और उन्हीं जूलियस सीजर को डिथ्रोन करने के लिए कासियस पूरा एक षड्यंत्र करते हैं, उस षड्यंत्र में ब्रूटस हिस्सा लेते हैं, और ब्रूटस की ही वजह से ही जूलियस सीजर की हत्या हो पाती है। जब लोगों ने पूछा कि व्हाई डिड यू एजाजिनेट, तब उन्होंने एक एक जो पॉइंट आर्गुमेंट अपना दिया कि फॉर द सेक ऑफ द नेशन, या उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि मैं बहुत राष्ट्रभक्त हूँ, देशभक्त हूँ, और देश को बचाने के लिए मैंने ऐसा काम किया। तो सच अ थिंग यू विल गेट, सच अ थिंग यू विल फाइंड। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और आते हैं जिनका नाम है एंटनी, आई विल राइट सिक्स्थ पॉइंट है, ANTONY। जो एंटनी है, एंटनी की खास, या सेवेंथ पॉइंट अगर होगा तो सेवेंथ आप नोट करिएगा, एंटनी जो है ये पूरी सिचुएशन को संभालते हैं, और उन्होंने क्या किया कि एक जो अपनी पॉलिटिकल स्किल के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि कासियस और ब्रूटस दोनों गलत थे, और पब्लिक का फेवर अपनी ओर करते हैं, क्योंकि जब आप पहले पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पब्लिक कहीं ऐसा ना हो कि जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई तो पब्लिक भड़क जाए या पब्लिक रिवोल्ट कर दे, तो उस रिवोल्ट को या पब्लिक के मूड को चेंज करने के लिए जब कासियस और ब्रूटस जनता को एड्रेस कर रहे थे तो उसी समय जो है एंटनी आते हैं और एंटनी सिचुएशन को संभालते हैं, और सारी बातें किसके फेवर में करते हैं, जूलियस सीजर के फेवर में करते हैं, और कहते हैं कि जूलियस सीजर वाज अ गुड किंग, ही वाज लॉयल टू द नेशन, ही डिड ईच एंड एवरीथिंग फॉर द बेटर ऑफ द नेशन, और ये लोग कॉन्स्पिरेटर्स हैं, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की और आपके एक लॉयल किंग की हत्या की, तो जनता इनके खिलाफ हो जाती है। तो ये सारा मैनेज कौन करता है, एंटनी मैनेज करते हैं। तो मैं वही लिख रहा था कि एंटनी, एंटनी प्रेजेंटेड अ ग्रेट पॉलिटिकल स्किल, एंटनी प्रेजेंटेड अ ग्रेट पॉलिटिकल स्किल एंड वन द फेवर ऑफ द रोमन, एंड वन द फेवर ऑफ द रोमन। एंटनी की एक खासियत रही है कि एंटनी ने ग्रेट पॉलिटिकल स्किल प्रेजेंट किया और उन्होंने रोमन के जो लोग थे उनका जो है फेवर प्राप्त किया, अपनी
राजनीतिक इच्छा शक्ति या अपनी वाक्पटुता की वजह से बेहतरीन वो ऑरेटर थे, तो एक बेहतरीन ढंग से जो है लोगों से मुखातिब होते थे, बात करते थे, और इस वजह से उन्होंने जनता के मूड को चेंज कर दिया और किसके फेवर में ला खड़ा किया, जूलियस सीजर के। तो यही मैंने, इसलिए मैंने लिखा कि एंटनी प्रेजेंटेड, एंटनी ने प्रेजेंट किया, क्या प्रेजेंट किया, अ ग्रेट पॉलिटिकल स्किल, एक महान जो है राजनीतिक चतुराई के साथ उन्होंने अपनी बात को जनता के बीच में रखा, एंड वन द फेवर ऑफ द रोमन, और रोम के सारे लोग उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। लास्ट में ये होता है कि ब्रूटस और जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है और उनको जो है मार दिया जाता है। तो ये उसका रिजल्ट होता है। तो यू हैव टू राइट डाउन द सेवेंथ पॉइंट या एट्थ पॉइंट इन द एंड, ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स इंक्लूडिंग ब्रूटस, ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स इंक्लूडिंग ब्रूटस इज अरेस्टेड एंड किल्ड। इस तरह से प्ले का समापन होता है, और आप देखने की कोशिश करेंगे कि अंत में प्ले में हमें देखते हैं कि कैसे सारे कॉन्स्पिरेटर्स को गिरफ्तार किया जाता है, किस तरह से उनकी हत्या कर दी जाती है। तो यह एक सिचुएशन बनती है या एक साइकिल बनती है जहां पर हम इन चीजों को देखते हैं या हम इन चीजों को पाते हैं। तो इन द एंड ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स इंक्लूडिंग ब्रूटस इज अरेस्टेड एंड किल्ड। तो ये सारी चीजें रही हैं। तो आई हैव गॉन विद द स्टोरी एंड आई थिंक आई विल टेक ओनली 5 मिनट, 5 मिनट में मैं कैरेक्टर के ऊपर बात कर लूं, ताकि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो इनकी लाइन का रहेगा वो मैं सेपरेट क्लास में, शाम वाली क्लास में बात करूंगा। तो इस तरह से जूलियस सीजर भी वो पूरा हो जाएंगे, और शाम वाली क्लास में मैं इम्पोर्टेंट लाइन पर बात करूंगा, और आपसे डायरेक्ट इसकी स्टोरी को बताने के लिए मैं लाइव रहूंगा। दो दो चीजें रहेंगी। तो आई विल टेक ओनली 5 मिनट। कैन यू टेल मी कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, क्या कितना टाइम हो रहा है? नॉट गेटिंग 9:15, बस विद इन 5 मिनट, विद इन 5 मिनट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में आप देखेंगे कि जो सबसे पहला कैरेक्टर है दैट इज जूलियस सीजर। जूलियस सीजर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इनको अगर आप देखेंगे तो यह एक ऐसे कैरेक्टर है जिसे आप लिख सकते हैं इंपरर ऑफ रोम, EMPERROR, इंपरर ऑफ रोम। इम्परर ऑफ रोम, बहुत सिंपल सा आप लिखिए, बाकी उनके बारे में तो बहुत कुछ हो सकता है कि हीरो ऑफ द प्ले, बहुत बड़े कैरेक्टर है, राजा है। जानना है आपको कि जूलियस सीजर क्या है, इम्परर ऑफ रोम है एंड प्रोटेगनिस्ट ऑफ द प्ले, आप वो लिखना, इम्परर ऑफ रोम एंड प्रोटेगनिस्ट ऑफ द प्ले एंड प्रोटेगनिस्ट ऑफ द प्ले। दूसरा पॉइंट, दूसरा कैरेक्टर है कैलिफोर्निया, CALPHORNIA, कैलिफोर्निया, दिस इज द सेकेंड कैरेक्टर, फोर्थ वाइफ ऑफ जूलियस सीजर, फोर्थ वाइफ ऑफ जूलियस सीजर, CAESAR, इतना ही आपको लिखना है, शी इज द फोर्थ वाइफ ऑफ जूलियस सीजर। एक दो लाइन मैं इसमें और भी जोड़ूंगा इस कैरेक्टर के साथ। एक तो एक चीज आपको ये लिखना है कि शी हैज बीन प्रेजेंटेड एज वीक, WEAK, एज वीक एंड सबमिसिव लेडी, SUBMISSIV, सबमिसिव लेडी।
सबमिसिव का मतलब कि जो हर समय घुटने टेक दे, मतलब हर समय कोई भी बात कहे या कह दे तो उसकी बात को मान ले, बहुत ज्यादा उसका नेचर किसी की बात को डिराई करने वाला नहीं है। तो सबमिसिव लेडी कि उसको दिखाया गया वह कमजोर है, सबमिसिव लेडी है, अपनी बात को नहीं मनवा पाती बल्कि दूसरी बात को स्वीकार कर लेती है, दूसरे के आगे वो झुक जाती है, दूसरों के बातों को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेती है। तो उसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया है। और एक क्रिटिक है जिनका नाम है ग्रैनविल बार्कर, और ग्रैनविल बार्कर ने ये कहा है कि वह एक सुपरस्टिटियस वुमेन है। एक चीज और, किसी क्रिटिक का नाम ना लिखे, शी हैज बीन प्रेजेंटेड, शी हैज बीन शोन एज शी हैज बीन शोन शोन उसको दिखाया गया कैसे एज सुपरस्टिटियस वुमेन, SUPERSTITIOUS, सुपरस्टिटियस वुमेन। सुपरस्टिटियस का मतलब अंधविश्वासी औरत के रूप में उसको दिखाया गया है। नेक्स्ट है कुछ जो है कॉन्स्पिरेटर्स हैं, तो मैं उनका नाम लिख रहा हूं। एक तो आपको ध्यान में रखना, ये थर्ड पॉइंट बनेगा, ब्रूटस BRUTUS, एक नाम ये हो गया, कासियस CASSIUS, एक नाम ये हो गया, कास्का CASCA, कास्का, एक नाम ये हो गया, मेटालस मेटालस METALUS, मेटालस, एक नाम हो गया, सिनाना सिन्ना CINNA, CINNA, सिन्ना। ये सब के सब क्या है, दे ऑल आर द कॉन्स्पिरेटर्स, डैश करके लिखेगा, कॉन्स्पिरेटर्स कॉन्स्पिरेटर्स RATORS, कॉन्स्पिरेटर्स। नंबर फोर्थ जो कैरेक्टर है दैट इज पोर्सिया। पोर्सिया जो है वाइफ ऑफ ब्रूटस, नंबर फिफ्थ पे जो लिखना है मार्क एंटनी, मार्क एंटनी, ऑक्टेवियस सीजर, याद होगा जब कल मैंने आपको पढ़ाया था एंटनी और क्लियोपेट्रा में, तो मैंने कहा था कि इट्स द सीक्वेल ऑफ जूलियस सीजर, तो वही कैरेक्टर वहां पे भी रिपीट किया, मार्क एंटनी, ऑक्टेवियस सीजर, एमिल एंड लेपिडस, AMIL, एमिल एंड लेपिडस, LEPIDUS। ये सब कौन है, ये सब विक्टर्स हैं, ये सब विक्टर्स हैं, विजेता हैं जो कि कॉन्स्पिरेटर्स को हराते हैं। तो उनके आगे आपको क्या लिखना है, विक्टर्स, VICTORS, विक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट होगा फोर्थ सिन्ना, या फिफ्थ जो भी पॉइंट हो, सिन्ना, सिन्ना पूछा जा चुका, अब पोएट, यह एक पोएट है सिन्ना, अ पोएट। नेक्स्ट है असूद सेयर, SAYER, ये जो सूद सेयर है, अ फेथफुल मैन, बस इतना ही आप लिखिएगा, अ फेथफुल मैन, इसका मतलब ये पांचवे कैरेक्टर होंगे, असूद सेयर, अ फेथफुल मैन। नेक्स्ट कैरेक्टर आर्टिमिडीरियस, ARTMIDORUS, MIDORUS,
RUS, आर्टिमिडरस, ये जो कैरेक्टर है टीचर ऑफ सीजर, ये चीज जानना जरूरी, टीचर ऑफ सीजर। एक और है सेवेंथ, द मॉब। मॉब कोई कैरेक्टर नहीं है, वो एक विद्रोही भीड़ होती है, द मॉब, एक विद्रोही भीड़ को मॉब कहा जाता है। एंड द लास्ट इज डार्डेनियस, DARDANIUS, डार्डेनियस ऑक्टेवियस। सॉरी डार्डेनियस नहीं, डार्डेनियस तो, बट मैं फिर से लिख रहा हूं, ये गलत मैंने लिख दिया, डार्डेनियस, DARDANIUS, डार्डेनियस स्ट्राटो, STRATO, ल्यूसियस एंड क्लाउडियस। एंड क्लाउडियस ये जो लोग रहे हैं ये कौन है, ये सब के सब सर्वेंट ऑफ ब्रूटस, सर्वेंट ऑफ ब्रूटस, कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं बट नाम जान, सर्वेंट ऑफ ब्रूटस। सो आई हैव गॉन विद दीस पॉइंट्स, और मैं जो है तुरंत अब इसको बंद कर रहा हूं, डार्डेनियस, स्ट्रेटो, ल्यूसियस एंड क्लाउडियस, सर्वेंट्स ऑफ ब्रूटस। सो आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस स्क्रीन एंड यू ऑल हैव गॉन विद दीस पॉइंट्स। वी विल मीट इन द इवनिंग, वी विल मीट इन द इवनिंग। आई विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू एनी वन एंड नीदर आई विल परमिट एनी वन टू आस्क एनी क्वेश्चन बिकॉज वी ऑल आर गेटिंग लेट। वी विल मीट इन द इवनिंग, तो इंपॉर्टेंट लाइन्स पर बात करेंगे और फिर पूरी इसकी कहानी आज आपको बताएंगे। ओके।